गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर चैनपुर बस स्टैंड से होकर परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट अक्का के स्मृति चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर चैनपुर बस स्टैंड से होकर परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट अक्का से स्मृति चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिस पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं कैंडल मार्च में सभी नारा बुलंद करते हुए अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो के नारों के साथ मार्च को पूरा किया गया। कैंडल मार्च पर चैनपुर वासियों ने कहा कि इस तरह की घटना से राज्य ही नहीं पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है, जिससे आज समाज में बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। माता पिता अपने परिवार के प्रति चिंतित हैं, जिन्हें समाज में अशांति और तनाव का माहौल बना हुआ है। इतना ही नहीं, आज परिजन अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने से घबरा रही हैं। बेटियां घर से बाहर निकलने से डर रही हैं। आज एक ओर भारत को महिला प्रधान देश कहा जाता है और देश में बेटियों को एक मनचला गुंडा अपनी मनमानी नहीं कर पाने पर जिंदा जला देता है, तो देश किस तरह से महिला प्रधान हो रहा है। ऐसे मनचलों गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वहीं कैंडल मार्च पर चैनपुर वासी अंकिता के प्रति संवेदना और शोक व्यक्त कर रहे थे और मनचले गुंडे के प्रति काफी आक्रोशित थे। साथ ही इस तरह की घटना का कड़ी निंदा करते हुए फांसी की मांग की। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।